Bom dia. Você é o Vinícius Antônio, segredo do Brasil. Vou ver. Vou bater isso.
नहीं वो 5 मिनट्स की ब्रेक ली है नमाज के लिए.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अभी शोर तो नहीं पीछे से कोई आ रहा है? आवाज़ क्लियर है मेरी? प्लीज़ मुझे बता दें लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले अगर कुछ ऐसे इशू आ रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाए। ओके, क्लास 5:20 हो गए हैं तो अब क्लास मतलब लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए। होप सो सब नमाज पढ़ रही होगी। श्योर, आई थिंक इसमें कोई टेक्निकल इशू है, अदरवाइज पूरे रूम में पूरे आईटी में जस्ट मैं ही बैठी हुई हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है जिसका शोर आ रहा हो। ये टेक्निकल कोई इशू आ रहा है तो आई थिंक वो हमारा सॉल्व नहीं होगा। ओके क्लास, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। इस लेक्चर में मैं जो आप लोग को बातें कवर करूंगी, जो टॉपिक्स कवर होंगे उनमें सबसे पहले जो है इम्यूनिटी है। व्हाट इज इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, what is acquired immunity, routine schedule of immunization, immune responses, what are antibodies and types of antibodies. Okay class, last lecture अगर थोड़ा सा revise करें तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि immunity क्या है, immunity की types के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। उसमें three defense mechanism मैंने आप लोग को बताए थे। primary लाइन थी, सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस बताई थी और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बताई थी। प्राइमरी जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इननेट इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है
और स्कैंड्री में जो फैगोसिटिक सेल्स इन्वॉल्व थे, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, जो बेसिकली जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और इस आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो डिटेल में बताऊँगी। ओके क्लास, ये जस्ट उसका रिव्यू था। लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज इम्यूनिटी, स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड सेंसिटाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, हमारी इम्यूनिटी है, किनके अगेंस्ट है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, किसके थ्रू एंटीबॉडीज, किसके थ्रू हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है हमारी बॉडी में, बाय एंटीबॉडीज एंड वाइट ब्लड सेल्स, ये दोनों हमें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें टाइप्स जो हैं वो इननेट और नेचुरल इम्यूनिटी है, अडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कोई भी टर्म हो उसमें आप लोगों ने उसके नेम से देखना है, नेम ही जो है उसकी डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन कर रही होती है। इननेट और नेचुरल से पता चल रहा है, इननेट मीन बाय बर्थ है, और नेचुरली मीन कि इसमें नेचुरली जो है आफ्टर बर्थ जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डिवेल्प हो जाती है, जब उसी टाइम जब कोई भी फर्स्ट टाइम जो है हमारा इंट्रैक्शन बॉडी का किसी फॉरेन पार्टिकल से इंट्रैक्शन होता है उसी टाइम जो इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है उसे इननेट और नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। और एक्वायर्ड और अडॉप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर बर्थ, जो फॉरन ही विद द पैसेज ऑफ टाइम एंटीजन के इंट्रैक्शन से जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डिवेल्प हो रही है उसे एक्वायर्ड अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इननेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक है, आफ्टर बर्थ जो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी डिवेल्प हुई है उसे इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया या किसी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ये डिवेल्प नहीं होती। ये हर तरह के कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जो सबसे पहले इम्यूनिटी होती है उसे इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म कंसीडर किया जाता है। इसमें ये जो है हमें किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, एनाटॉमिक बैरियर से, फिजियोलॉजिकल बैरियर से, और फैगोसाइटोसिस के थ्रू। एनाटॉमिक बैरियर्स में सबसे पहले जो है हमारी इंटैक्ट स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है। जब तक हमारी स्किन इंटैक्ट है कोई भी पैथोजन जो है इन्वेड नहीं करता हमारी बॉडी में। अगर स्किन में कोई कट है या कुछ है तो उसके थ्रू अगर स्किन से इन्वेड कर गया तो सबसे पहले स्किन के बाद जो चीज़ ओवरकम करेगी उस पैथोजन को म्यूकस मेम्ब्रेन से इंट्रैक्शन होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, वो म्यूकस जो है थिक सिक्रीशंस होती है जिसके अंदर वो पार्टिकल्स जो हैं वो इंट्रैप हो जाते हैं। और अगर इन दोनों के थ्रू से मतलब इन दोनों से कोई पार्टिकल सेफ हो जाता है, कोई पैथोजन बच जाता है, तो फिर हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जो है टेम्परेचर, लो पीएच, टेम्परेचर है, लो पीएच है, इंजाइम्स है, कम्प्लीमेंट है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था कि टेम्परेचर, लो पीएच किस तरह एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, इंजाइम्स में हाइड्रोलिटिक गैस्ट्रिक इंजाइम्स हैं, और कम्प्लीमेंट्स किस तरह जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड भी क्या है, बाय फैगोसाइटोसिस के थ्रू, जिसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, मैक्रोफेजेस जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और ईएसिनोफिल्स, ये बाय फैगोसाइटोसिस जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आया तो उसको इंगल्फ कर लेते हैं और इस तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आज का मेन टॉपिक है हमारा जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वी कैन डिफाइन, एक्वायर्ड बेसिकली क्या है, एक्वायर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर बर्थ जो हमारी इम्यूनिटी डिवेल्प होती है उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं। सो वी कैन डिफाइन एक्वायर्ड इम्यूनिटी एज इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाई इन्फेक्शन और बाई वैक्सीनेशन और बाई ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स फ्रॉम एन इम्यून डोनर टू एन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड और नॉन इम्यून पर्सन इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लास इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है इन लिस्ट फोर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हमें ये सब को तो पता होता है कि व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी, बट जब इसका क्वेश्चन आता है तो वो पूछ लेते हैं कि व्हाट आर फोर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें फोर टाइप्स इस तरह हैं कि पैसिव इम्यूनिटी को मजीद सब क्लासीफाई किया गया है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली है क्या, इसमें है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंड्यूसेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीजन। प्री फॉर्म्ड वर्ड क्या एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है,
रेडीमेड एंटीबॉडीज। रेडीमेड एंटीबॉडीज कहाँ पर बन रही है कि उस इंसान के अंदर नहीं बन रही, वो कहीं बाहर से ही रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, और उस इंट्रोडक्शन से क्या है वो इंसान अपनी इम्यूनिटी शो करेगा। तो ये टू टाइप्स की हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव से पता चल रहा है कि वो नेचुरली बाहर जो बन रही हैं वो नेचुरली बन रही हैं उस इंसान के अंदर, जो डोनर होगा उसमें भी नेचुरली बन रही है। इसमें डोनर की एग्जांपल जो है मदर होती है, और जो रिसीव कर रहा है उसकी एग्जांपल जो है फीटस है। तो जो मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो रही हैं उसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल दी गई है। इसमें कौन कौन सी है जो एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो कैसे मदर टू फीटस में ट्रांसफ़र होती है, बाय क्लोस्ट्रम एंड बाय ब्रेस्ट मिल्क जो है वो फीटस में ट्रांसफ़र होती है। इसमें एक टर्म आया है क्लोस्ट्रम। व्हाट इज़ क्लोस्ट्रम? क्लोस्ट्रम जो है वो इमीजिएटली आफ्टर डिलीवरी जो फीड करवाई जाती है उसे क्लोस्ट्रम का नाम दिया गया है। ओके, और उसके बाद जब तक ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है उसमें बर्ड एंटीबॉडीज जो है मदर टू फीटस में ट्रांसफ़र हो रही है। इसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का नाम दिया गया। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि एक टाइप की स्पेसिफिक जिस टाइप की हमें एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं उनकी उसकी हम जो है कॉपीज प्रिपेयर करते हैं, उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। ये काफी लंबा टॉपिक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक प्रोसेस है, उसके थ्रू जो हमें जिस टाइप की स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं। नो वॉइस क्लास, किसी ने यहाँ कमेंट किया है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, क्या सब तक नहीं मेरी आवाज़ आ रही? प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, अब मेरी आवाज़ क्लियर है। तो मैं बता रही थी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में किस तरह है, थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो, जैसे किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उस ब्लड के अंदर बहुत सी एंटीबॉडीज होती हैं, तो किसी और बंदे में बंदे की डोनर्स की एंटीबॉडीज जो है हम जिसको रिक्वायर्ड होती हैं उसमें ट्रांसफ़र करके जो है हम इम्यूनिटी डेवलप करवाते हैं, तो इसे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। थर्ड टाइप जो है एक्टिव इम्यूनिटी में है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फोर्थ टाइप इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सो फर्स्ट व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव से पता चल रहा है रेजिस्टेंस इड्यूस्ड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद फॉरेन एंटीजन, कि जब किसी फॉरेन एंटीजन मतलब पैथोजन के साथ इंट्रैक्शन होता है तो उसके बाद जो इम्यूनिटी डिवेल्प हो रही है उसे एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। मतलब इसमें कोई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें जब कोई एंटीजन आएगा उसका इंट्रैक्शन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा एंटीबॉडीज बनेंगी, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी का नाम दिया गया है। ये भी टू टाइप्स की है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल से पता चल रहा है कि जो जब कोई इंट्रैक्शन होगा पैथोजन के साथ तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम बाई नेचुरली जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मीजल्स की, मीजल्स का जब अटैक होता है, मीजल के हमारे बॉडी में वायरस इंट्रोड्यूस होता है तो उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज नेचुरली बॉडी में बनती हैं, तो इसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का नाम दिया गया है। बट आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में यह है कि किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन के लिए बाहर से प्री फॉर्म बाहर से जो है एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं, उसमें जैसे वैक्सीनेशन एग्जाम्पल है। तो ये एक MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन किस में आता है? एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, और उसकी कौन सी टाइप में आ रहा है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन। ओके क्लास, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोग के? ओके क्लास, इस जो स्लाइड में है वो कंपैरिजन बताया गया है पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी में जो इम्यूनिटी है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इम्यूनिटी होती है, बट एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड की जाती है या प्रोवाइड होती है वो लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है।
अब पैसिव इम्यूनिटी में जस्ट एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, वाइल इन एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज और सेल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी रैपिड ऑनसेट होता है कि फॉरन से एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, फॉरन एक्शन शो हो गया। बट एक्टिव इम्यूनिटी में क्या आता है, स्लो ऑनसेट होता है कि कोई एंटीजन आया है या हमने एंटीजन आया, जैसे मीजल्स का कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अगेंस्ट फॉरन से एंटीबॉडीज नहीं बन जाती। ये स्लो प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब फोर्थ पॉइंट जो इसमें डिफरेंस है वो मेमोरी सेल्स का है। मेमोरी सेल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्लियर किए थे कि मेमोरी सेल बनते कहाँ से हैं। बी हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था कि बी लिम्फोसाइट का जब किसी एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन होता है तो वह टू टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस करता है, एक प्लाज्मा सेल्स और दूसरे मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम की मेमोरी उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और लाइफ टाइम की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी में बेसिकली जो है मेमोरी सेल्स नहीं बनते, एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने उस एंटीजन के अगेंस्ट अपना एक्शन शो किया, उसके बाद वो खत्म हो गई। कि मतलब दोबारा सेम इंट्रैक्शन जब उसी सेम एंटीजन के साथ होगा तो वो पैसिव इम्यूनिटी हमारे लिए बेनिफिशियरी नहीं होती। बट एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी सेल्स बनते हैं और वो लॉन्ग टाइम लॉन्ग लाइफ के लिए हमें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें फिफ्थ जो डिफरेंस है वो इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट का है। तो पैसिव इम्यूनिटी में जो है इम्यून सिस्टम हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, बट एक्टिव इम्यूनिटी में जो है इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा। ओके क्लास, जहाँ कमेंट आया है कि अगेन मतलब मैं रिपीट करूँ, तो रिपीट में मैं पूरा टॉपिक रिपीट करूँ ये पैसिव डिफरेंस का, या जस्ट ये जो लास्ट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो रिपीट करूँ? मरियम प्लीज दोबारा से कमेंट करना। ओके क्लास, अभी इनका कमेंट्स तो नहीं आया, बट मैं ये पूरा रिपीट दोबारा से कर रही हूँ कि पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट टाइम की प्रोटेक्शन है हमारे बॉडी में, बट एक्टिव इम्यूनिटी जो है हम वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी में मिल रही है, या नेचुरली किसी डिजीज के एंटीजन के इंट्रैक्शन से हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज बनती हैं, वो जो इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी है। बी लिम्फोसाइट्स वाला। ओके क्लास, उन्होंने ये कहा है कि कौन सा मुझे रिपीट करना है, ये मैं रिपीट इसलिए करने लगी थी किसी का कमेंट्स आया था कि रिपीट करें। अब इसमें मेमोरी सेल, मेमोरी सेल जो मैंने बताया कि मेमोरी सेल कौन से होते हैं जो पैसिव इम्यूनिटी में नहीं बनते, जिसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म की इम्यूनिटी होती है, बट एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बनते हैं और वो लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली मेमोरी सेल बनते कहाँ से, हमारे बी लिम्फोसाइट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि लिम्फोसाइट्स टू टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वो बी सेल्स जिन्हें मैंने कहा था, बी सेल्स में क्या होता है कि जब कोई एंटीजन आता है तो ये बी सेल एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के बाद वो टू टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं मजीद आगे। बी सेल क्या दो चीज़ें बनाते हैं, मेमोरी सेल बनाते हैं और प्लाज्मा सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी सिक्रिएट करते हैं, और मेमोरी सेल्स जो बनते हैं वो लॉन्ग टाइम की उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, उस मेमोरी को अपने माइंड में रखते हैं, और क्या होता है कि लॉन्ग टर्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ना। तो ये वो है बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, कि बी लिम्फोसाइट्स से बेसिकली मेमोरी सेल सिक्रिएट हो रहे होते हैं। ओके क्लास क्लियर। और इसके बाद इसमें क्या है, इम्यून सिस्टम जो है हमारे पैसिव इम्यूनिटी में नहीं इन्वॉल्व होता बट एक्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। क्लास क्लियर, नेक्स्ट आगे करूं मैं। ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्केड्यूल ऑफ एक्टिव रूटीन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन बेसिकली क्या है, वैक्सीन है, वैक्सीन के थ्रू जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है उसे इम्यूनाइजेशन में कंसिडर किया जाता है। और वैक्सीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन जो है डिफरेंट टाइम्स पर जो है लगवाई जाती हैं, उनमें सबसे पहले एट बर्थ पर जो वैक्सीन लगाई जाती है उसे BCG और हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो एंटी वैक्सीन करवाई जाती है। BCG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिलाई कॉलमेटीगुरिन, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होती है। तो सो बैक्टीरियल और वायरल, हेपेटाइटिस बी वायरल के अगेंस्ट जो है हमें वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, वैक्सीन लगवाई जाती है एट बर्थ।
और 2 month पर जो है DPT which represent to diphtheria pertussis and tetanus उसके अगेंस्ट और पोलियो के अगेंस्ट जो है वैक्सीन करवाई जाती है। 4th month पर सेम वही जो हमने 2 months पर करवाई थी DPT और पोलियो की वैक्सीन करवाई जाती है। 6 month पर जस्ट DPT मतलब diphtheria pertussis और tetanus की डोज लगवाई जाती है। 15 months पर MMR मतलब मीजल्स मॉम्स और रूबेला की वैक्सीन करवाई जाती है और 18 मंथ से 5 ईयर पर जो है 15 to 24 months पर DPT और पोलियो की वही डोजेस जो है वही वैक्सीन जो हमने 2 months और 4 months पर लगवाई थी वही दोबारा से 15 से 24 months पर रिपीट करवाई जाती हैं। 18 मंथ से 15 ईयर्स तक जो है इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन करवाई जाती है। 4 to 6 years पर DPT पोलियो और MMR जो हमने 15 मंथ्स पर करवाई थी उनकी दोबारा से डोजेस रिपीट करवाई जाती हैं। 14 टू 16 ईयर्स पर डिफ्थेरिया और टेटनस की वैक्सीन करवाई जाती है। क्लास ये पूरा टेबल एक तरह से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेकंड इसमें एक तो पूरा टेबल है, सेकंड MCQs वाइज इस तरह इंपॉर्टेंट है बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है जैसे MMR मीजल्स की वैक्सीन कब करवाई जाती है, तो मीजल्स की वैक्सीन जो है 15 मंथ्स पर करवाई जाती है। तो ये आप लोगों ने किस टाइम पर कौन सी वैक्सीन करवाई गई है वो आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है कि फर्स्ट पर डिफरेंट आया है BCG और हेपेटाइटिस आया है, बट 2, 4, 6, 15 और 24 और लास्ट पे 4 to 6 years पर सेम वैक्सीन करवाई गई हैं DPT पोलियो की, और 15 मंथ्स पर थोड़ी डिफरेंट आई है जो कि MMR मीजल्स मॉम्स और रूबेला की करवाई गई है। इसी तरह लास्ट पॉइंट डिफरेंट है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट है और दरमियान में एक 15 मंथ्स वाला डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। 18 मंथ्स पर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की गई है करवाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लास ये याद रहेगा, याद नहीं भी रहा तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा इसे। ओके क्लास क्लियर। उसके बाद जो है इम्यून रिस्पॉन्सेज, व्हाट आर इम्यून रिस्पॉन्सेज। इम्यून रिस्पॉन्स से इस तरह से पता चल रहा है कि इम्यून हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से रिस्पॉन्सेज शो करता है किसी भी एंटीजन के इंट्रैक्शन की कंडीशन में। 2 types के रिस्पॉन्सेज शो करता है, फर्स्ट जो है उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे हैं, सेकेंड में जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, इज द रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम when it contacts to an antigen for the first time. First time से ये कह रहे हैं कि जब first time किसी antigen के साथ हमारी body का interaction होता है तो उस time जो response show होता है उसे primary immune response कहते हैं, कि मतलब first time immune response show हो रहा है। इसमें ये होता है कि एक ही एंटीजन जब दोबारा से अटैक हमारे ऊपर करता है तो उस टाइम जो रिस्पॉन्स शो होगा उसे स्कैंडी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। स्कैंडी इम्यून रिस्पॉन्स में ये बात सेम एंटीजन का सेम होना ज़रूरी है, जिसने एक बार पहले भी हमें इन्फेक्ट किया है दोबारा फिर उसी ने हमारी बॉडी पर अटैक किया है तो तब हमारा जो है स्कैंडी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता है शो होता है। तो स्कैंडी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, इज द रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम व्हेन इट कॉन्टैक्ट्स टू एन एंटीजन फॉर द सेकंड एंड सबसीक्वेंट टाइम्स। सेकंड टाइम सेम एंटीजन आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, मतलब कि फर्स्ट टाइम से के बाद जितनी बार भी वो सेम एंटीजन हमारे बॉडी में आकर अटैक करेगा तो उस टाइम जो है रिस्पॉन्स शो होगा उसे स्कैंडी इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे हैं। ओके क्लास, यहाँ पर इस स्लाइड में जो है कंपैरिजन बताया गया है, कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, रिस्पॉन्सेज के बारे में बताया गया जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि जब भी कोई पैथोजन या एंटी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी पर अटैक करता है, फर्स्ट टाइम जब अटैक करता है तब जो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। वही एंटीजन जब सेम एंटीजन सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम करेगा तो तब जो है स्कैंडी इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा। इसमें एंटीबॉडीज़ का डिफरेंस बताया गया है कि एंटीबॉडीज़ जो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज सबसे पहले बनती है या सबसे पहले आती हैं वो हैं IgM एंटीबॉडीज़। वही एंटीजन जब दोबारा हमारी बॉडी पर अटैक करेगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी वो IgG है। तो ये वाली एंटीबॉडीज कौन सी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हैं, कौन सी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखना है कि IgM जो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हैं और IgG सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हैं।
उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन का है कि अमाउंट कितनी प्रोड्यूस होती है। जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगे उनकी अमाउंट जो है वो क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल होती है, बट स्कैंडियम रिस्पॉन्स में बनने वाली एंटीबॉडीज जो हैं वो लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद ड्यूरेशन का बताया गया, ड्यूरेशन जो है वो एंटीबॉडीज का प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में शॉर्ट होता है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए अपना एक्शन शो करती हैं, बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो उनका रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्ग टर्म का आता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो एंटीबॉडीज डिटेक्टेड इन ब्लड, कि जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हम कब बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर 7 to 10 days एक्सपायर ऑफ एंटीजन जो है एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी में इंडिकेट हो जाती हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में किसी एंटीजन के आने के आफ्टर 3 to 5 days जो है एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस होकर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें सेल्स बताए गए हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में नेवी बी सेल और टी सेल इन्वॉल्व हैं, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेमरी सेल इन्वॉल्व हैं। इधर फिर एक क्वेश्चन आ रहा है अच्छा, ये रिस्पोंडिंग सेल के बताया गया है नेवी, इसमें एक टर्म आया नेवी बी सेल। नेवी का क्या मतलब है? नेवी मीन होता है कि बिल्कुल फ्रेशली ऐसा बी सेल जो अभी इनएक्टिव था, मतलब इनएक्टिव मैंने बताया कि बी सेल जब तक कोई एंटीजन नहीं आता वो एक्टिवेट नहीं होते, एक्टिवेट होने के बाद जो है वो 2 types के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बी सेल इन्वॉल्व होंगे वो बिल्कुल फ्रेशली प्रोड्यूस्ड बी सेल होंगे, कि मतलब उनका पहला कभी किसी उसी एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, न्यूली सेल बिल्कुल न्यूली हैं, कि उनका किसी अभी ऐसे सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बट उनका एक्सपायर जो है किसी एंटीजन के साथ नहीं हुआ हुआ, उन्हें नेवी बी सेल कह रहे हैं। ओके, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो मेमोरी सेल इन्वॉल्व हैं वो यही इन्हीं बी सेल से प्रोड्यूस हुए होते हैं, प्रोड्यूस सेल्स हुए हैं बी सेल से प्रोड्यूस हुए हैं, और वो अपना रोल कब शो करेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। क्लास क्लियर है बात? जी, लॉन्ग टर्म एक्शन, लॉन्ग टर्म जो है कि लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है और कुछ का टाइम लिमिटेड टाइम के लिए भी होता है। ओके क्लास, मेरा भी लॉन्ग टाइम जो है कि लाइफ लॉन्ग भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। क्लास जहां तक क्लियर है टॉपिक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। टी सेल्स, ओके क्लास, मरियम तारिक ने क्वेश्चन किया टी सेल्स का भी बताते हैं। तो लिम्फोसाइट्स में जो होते हैं ना बेसिकली 2 types के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने बताया है कि वो जब एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन होता है तो वो 2 types के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, एक होगा प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा होगा मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स वो होंगे जो उस एंटीजन को हमेशा मेमोराइज रखते हैं और बाद में जब कोई दोबारा उसी एंटीजन का अटैक होता है तो वो अपना फंक्शन शो करते हैं। और टी सेल्स वो होते हैं जो हमें सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी 2 types हैं टी सेल्स के, एक टी हेल्पर सेल होता है और दूसरा जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, काफ़ी डिटेल में बताया था टी सेल्स के बारे में भी। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल्स का फंक्शन जो होता है कि ये रिलीज करते हैं लिम्फोकाइन साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं एक तरह से। जो लिम्फोकाइन साइटोकाइंस क्या होते हैं वो एक तरह से मैसेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं और अपना मैसेज जो है वो लेकर कन्वे करते हैं दूसरे सेल पर कि कहाँ पर जाकर एक्शन शो करना है, ठीक है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो उनका फंक्शन ये होता है कि कोई भी सेल इन्फेक्टेड सेल है तो उसको जो है उसको किल करते हैं। तो इस तरह से सेल को किल करके हमें इन्फेक्टेड सेल को किल करके ख़त्म करके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लास क्लियर है टी सेल का, साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर टी सेल। ओके क्लास, उसके बाद है व्हाट आर एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज बेसिकली मैंने पहले बहुत आप लोग को बता दिया है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कहाँ से हो रही हैं, बी सेल से प्रोड्यूस हो रही है। अब ये होती क्या है, किस तरह अपना फंक्शन शो करती हैं,
ये होती बेसिकली होती ग्लोबुलिन प्रोटीन्स ही हैं, रिएक्ट करती हैं एंटीजन के साथ। किस एंटीजन के साथ? जो इसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब बी सेल को जाकर स्टिमुलेट करते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। तो ये उसी एंटीजन के साथ जाकर एक्ट करती हैं और उसको न्यूट्रलाइज करके, उसके अगेंस्ट वर्क करके जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। सो वी कैन डिफाइन एंटीबॉडीज एज, एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स डैट रिएक्ट विद एंटीजन। किस एंटीजन के अगेंस्ट? डैट स्टिमुलेटेड देयर प्रोडक्शन। ओके क्लास, ये आप सिक्रीट कहाँ से हो रही है? मैंने आप लोगों को बताया कि सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स ऑफ द अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। हमने टू इम्यून सिस्टम पढ़े ना, इननेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में जो है बी सेल्स और टी सेल्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बी सेल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनके कौन से सेल्स से? प्लाज्मा सेल्स से, ठीक है। और इनका फंक्शंस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन है और ऑप्शनाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन किस तरह के, कोई एंटीजन आया तो ये उसके साथ अटैक करके इन्होंने उसके टॉक्सिन को या जो भी वो बैक्टीरिया उसको न्यूट्रलाइज करके हम उसके हार्मफुल इफेक्ट्स से हमें प्रिवेंट किया है। ऑप्शनाइजेशन भी सेम ऐसे है कि ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को इन्हांस करते हैं, कि जितनी जल्दी फेगोसाइटोसिस होगा, बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल की इंगल्फमेंट होगी, तो क्या होगा, इतनी ही ज्यादा जल्दी रैपिड एक्शन शो होकर इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो बेसिकली ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को भी इन्हांस करती है एंटीबॉडीज। इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले तो इसकी शेप देखकर जैसे क्लियर होता है तो हमें पता चलता है, जैसे वाई लिखा हुआ है, वाई से है। इसकी रिजेम्बलेंस जो है ना वाई डिजिट से है, वाई से है। वाई, इट इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड्स। कौन कौन सी हैं? टू हैवी चेन है और टू लाइट चेन है इसकी। ये क्लास डायग्राम को, इस पिक्चर को शो गौर से देखें। इसकी जो बाहर लाइन है ब्लू वाले कलर्स में जो शो हो रही है वो इसकी लाइट चेन है, बट इनर साइड पे ये जो ग्रीन कलर में है ये इसकी पूरी हैवी चेन है। अब इसकी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वाई टाइप की, जो इसकी टू ब्रांचेज है, इसको इन्होंने वेरिएबल रीजन का नाम दिया है। वेरिएबल रीजन जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वेरिएबल रीजन, वेरिएबल एक टर्म है, वो क्या आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन लेकर आती है। वेरिएबल मीन ऐसा, ऐसी चीज जो अपना स्ट्रक्चर शेप जो है वो टाइम टू टाइम चेंज कर लेती है, मतलब फिक्स नहीं होती, रिजिड नहीं है, वेरिएबल। और इसका सेकंड जो नीचे वाला पोर्शन है वो कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन में कि वो अपना शेप स्ट्रक्चर किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करते। तो ये वेरिएबल रीजन अपना स्ट्रक्चर क्यों चेंज करता है, ये किस तरह हेल्प करता है, मतलब इसका क्या बेनिफिट है इसके वेरिएबल रीजन होने में? इसका ये होता है कि ये अकॉर्डिंग टू एंटीजन स्ट्रक्चर अपना स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होकर क्या होता है कि उनकी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी तरह जो है वो एंटीबॉडीज अपना फंक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली, ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करती हैं। तो ये इधर वही एक्सप्लेन किया गया, एंड एंटीबॉडीज मेड अप ऑफ वेरिएबल रीजन एंड कॉन्स्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन वो है जो कि अपना स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू एंटीजन स्ट्रक्चर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, इसलिए उन्हें वेरिएबल रीजन का नाम दिया गया है। बट कॉन्स्टेंट रीजन एक रिजिड स्ट्रक्चर है, किसी भी कंडीशन में अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, इन्हें कॉन्स्टेंट रीजन कह रहे हैं। क्लास क्लियर है? स्ट्रक्चर में इसके इतनी बातें ही आप लोगों के लिए काफ़ी है कि वाई शेप है, टू हैवी चेन्स हैं, टू लाइट चेन्स है, और टू ही इसके रीजन्स हैं, वेरिएबल रीजन और कॉन्स्टेंट रीजन। क्लास आके चलें, लास्ट में जो इसकी बात है, एंटीबॉडीज की टाइप्स हैं, आइसोटाइप्स हैं, क्लासेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसकी फाइव मेन टाइप्स हैं, IgG, अमीनोग्लोबुलिन G, अमीनोग्लोबुलिन M, अमीनोग्लोबुलिन A, अमीनोग्लोबुलिन E, अमीनोग्लोबुलिन D, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में जो मैंने बातें कवर की हैं वो इनकी कंसेंट्रेशन बताई है कि सीरम में कितने परसेंट जो है IgG है और कितने परसेंट IgM है।
इनके कंसंट्रेशन की बताई है। सेकंड जो मैंने बात बताई है कि किस रिस्पांस में हमारी इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पांस में कौन सी एंटीबॉडीज कब अपना प्ले रोल प्ले करती है। थर्ड बात जो मैंने बताई वो इनकी हाफ लाइफ के बारे में बताया कि वो कितनी देर इफेक्टिव होती हैं, इनका ड्यूरेशन बताया, और फोर्थ में इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बताई हैं जो उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले IgG है। IgG क्या है? कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिंस, कि हमारी बॉडी में सीरम में जितनी भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उनका 80% जो है IgG है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो IgG हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड जो इसकी मेन बात है वो मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाई है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थी और सेकेंडरी में कौन सी इन्वॉल्व है। तो IgG जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं, तब अपना फंक्शन प्ले करती हैं, तब बनती हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मैंने आपको बताया कि जब सेम पैथोजन सेकेंड टाइम हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इसकी हाफ लाइफ जो है अबाउट 20 डेज है और ये कैन क्रॉस प्लेसेंटा। इसकी मेन बात ये है कि जस्ट इन पांचों टाइप्स में से एंटीबॉडीज के आइसोटाइप्स में से जस्ट IgG है वो प्लेसेंटा क्रॉस करती है, अदरवाइज बाकी कोई एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। तो इसकी एक ये भी मेन बात है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड जो है क्लास है IgM में। IgM जो है वो टोटल जो सीरम में प्रेजेंट है उसका 5-10% एंटीबॉडीज है। 5-10% जो है IgM प्रेजेंट है हमारे सीरम में, और इसका रोल जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में होता है। इनकी हाफ लाइफ जो है जस्ट 5 डेज है, और इनकी एक मेन बात जो ये है कि ये बाकी 4 के कंपैरिजन में इनका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा हैवी है, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूलर वेट इसका स्ट्रक्चर है, पेंटामर्स हैं और इनकी 10 बाइंडिंग साइट्स हैं। थर्ड जो है इम्यूनोग्लोबुलिन की टाइप है वो है IgA। IgA जो है वो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जस्ट 5-15% है, और इनकी हाफ लाइफ सेम वैसे जैसे IgM की है 5 डेज है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये हमारी बॉडी सेक्रेशंस में जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क और म्यूकस, म्यूकस में ये हमें IgA फाउंड होती है। ओके क्लास, उसके बाद फोर्थ जो टाइप है IgE है। IgE जो है उसकी कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत कम प्रेजेंट होती है, जैसे 0.3 माइक्रोग्राम पर ml है, मतलब बिल्कुल कम इसकी कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और इसका बेसिकली रोल जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आप लोग के रहते हैं। इसके अलावा बाकी इम्यूनिटी का पूरा चैप्टर आप लोग का एक तरह से कवर हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोग को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो जस्ट 2 डेज है, और मेडिएट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में जो इसकी फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट क्लास है इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में IgE का जो है मेन रोल है। उसके बाद फिफ्थ क्लास जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एंटीबॉडीज की है वो है IgD। IgD जो है कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.2% ऑफ द टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब 80% जो है IgG है, 5-10% IgM प्रेजेंट है, 10-15 IgA है, थोड़ी सी 0.3 IgE है, और ज़रा सी ही ये IgD 0.2% जो है हमारे बॉडीज में इम्यूनोग्लोबुलिन का एक पार्ट है इनका। अच्छा, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं IgD? IgD फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स की आउटर सरफेस पर ये प्रेजेंट होती हैं, और इनका फंक्शन क्या आता है? बी सेल्स की एक्टिवेशन में है। फंक्शन इन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। हेलो, तो बेसिकली इनका फंक्शन जो है वो बी सेल्स की एक्टिवेशन में। बी सेल वही हैं जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यही दोबारा से उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी एंटीजन के इंट्रेक्शन में। ये बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं कि मजीद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। ओके क्लास, ये एंटीबॉडीज का अब आप लोग क्लियर हो गया होगा, इसके डिफरेंट टाइप्स। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो?
क्लास आप सब प्रेजेंट है ना? क्लास मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवा रही हूँ, एक बार ओवरव्यू करते हैं जो हम लोगों ने मैंने आपको इस लेक्चर में कवर किया है। इम्यूनिटी के बारे में बताया, व्हाट इज इम्यूनिटी? तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी की स्टेट है, रेजिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, उसे इम्यूनिटी कह रहे हैं। उसके टाइप्स के बारे में बताया, इननेट इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इननेट में मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी किस तरह से बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एनाटॉमिक बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, इसके अलावा फेगोसिटिक सेल्स जो हैं वो हमें इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी में आती है, और इसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया जो बेसिकली इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ रही है। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी की एक एग्जांपल है, और इसमें मैंने आपको पूरा एक स्केड्यूल बताया है, रूटीन स्केड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसमें आपने उस कौन सी वैक्सीन किस टाइम पर लगवाते हैं, ये वाली आप लोगों को बातें याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इम्यून रिस्पॉन्सेज के बारे में बताया है, तो वो टू टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्सेज थे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज। उसके बाद मैंने एंटीबॉडीज बताया, इम्यूनिटी जो है बेसिकली एंटीबॉडीज ही हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये मैंने एंटीबॉडीज के बारे में बताया कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, कब प्रोड्यूस होती हैं और फिर अपना किस तरह एक्शन शो करती हैं। उसके फाइव टाइप्स के बारे में बताया कि वो उनकी कितनी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में, किस एंटीबॉडीज की कितनी परसेंटेज है और उनका रोल कब कब कहाँ है। ओके क्लास, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को, जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लें। ओके क्लास, में आप लोग की अटेंडेंस मार्क करने लगी हूँ। तो अभी तक मेरे पास यहाँ पर जस्ट 23 स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन शो हो रहे हैं। आई थिंक आप लोगों की क्लास काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, जस्ट 22 इधर शो हो रहे हैं। क्लास, इसके बाद जो बात हमारी इम्यूनिटी में रह गई है वो जस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बताऊंगी, और इसके बाद हमारा जो इम्यूनिटी का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी या कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आप लोग का क्लियर नहीं होगा। Yeah.
ओके क्लास, और उसके बाद एक बार जो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम टेस्ट दिया था वो आप लोग का सेम वैसे ही होगा जिस दिन भी आप लोग मतलब मेरा कॉलेज आने के बाद आप लोग जब यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फर्स्ट क्लास में जो लेक्चर टेस्ट मतलब आप मेरा आप लोग के साथ लेक्चर होगा उसमें मैं पहले आप लोग का ये टेस्ट ही लूँगी। 5 टॉपिक्स मैंने आप लोग को बताए हुए हैं और उसमें मज़ीद जो ऐड होगा वो इम्यूनिटी का चैप्टर ऐड होगा। इम्यूनिटी होप सो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने जो स्टार्ट में आप लोग का इम्यूनिटी सेल्स बताए हैं और उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं और आज जो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाया ये सारी बातें मतलब मज़ीद ये 6ठा चैप्टर इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में ही इंशाल्लाह ये आप लोग का पहले टेस्ट होगा उसके बाद मज़ीद हम कुछ कवर करेंगे। ओके क्लास, टेस्ट हमेशा आप लोगों ने डेली अपने माइंड में रखना और अब आप लोग के पास टाइम है टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए तो जब तक आप लोग टेस्ट नहीं देंगे। ओके मैं क्लास ये स्लाइड शेयर करूंगी और आप लोगों के पास ये ऑलरेडी है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैंने जस्ट इसकी रिवीजन करवाई है। ठीक है मिस मैविश आपको ये कम्प्लीट करवा चुकी है और उन्होंने मुझे यही कहा है कि अब आप लोगों के टेस्ट इसके होने हैं। तो मैंने टेस्ट से पहले इसका एक लेक्चर डिलीवर किया है कि आप लोगों के कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ या कोई पॉइंट मिस हो गया है तो एटलीस्ट इन लेक्चर्स में कवर हो जाए। मेरी स्लाइड्स डिफरेंट हैं। अच्छा हाँ मैं आपको ये अपलोड कर दूंगी, आप लोगों को अगर ये हेल्प करे तो आप लोग ये यहाँ से भी पढ़ें, दोनों को रेफर कीजिएगा। इसके साथ अगर हो तो आप लोग बुक भी लाजमी पढ़ें, जितना टाइम हो उसमें आप लोगों ने अभी पढ़ना है। चलें ठीक है मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके क्लास, अभी तक जस्ट यही वही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। होप सो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह अब आपका मेरा आपके साथ वेनसडे को लेक्चर है, कोई पॉइंट मिस हो गया हो या आपका नहीं क्लियर हुआ तो कॉलेज आने के बाद आप लोग मुझसे कभी भी किसी भी टाइम जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू क्लास।